नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। जनपद में मंगलवार की रात टाउन हॉल पर आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख हो गईं, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात टाउन हॉल बैंक रोड पर आग की सूचना प्राप्त हुई थी कि फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई है, जिसको देखते हुए मौके पर 4 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग तेज थी, जिसको देखते हुए 4 गाड़ियां और मंगवाई गईं और आग को 3 तरफ से घेर कर बुझाया गया। वहां पर फर्नीचर की दुकान थी जो कि जलकर पूरी तरह से राख हो गई, लेकिन आग को किसी तरह से काबू पा लिया गया, जिसमें 9 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा, बैंक रोड पे आग की सूचना मिली थी 10:15 के आसपास कि फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई है। तत्काल जो है FSO के नेतृत्व में 4 गाड़ियां भेजी गई। पुनः जो है मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा थोड़े ही देर में, और 4 गाड़ियां मेरे साथ थीं। आग चूँकि तेज़ी से फैल रही थी, बगल में भी दुकानें थीं, पीछे होटल था और दवा का होलसेल मार्केट था। आग को 3 तरफ से घेर करके बुझाया गया। जहाँ पे फर्नीचर मार्केट था, लगभग वहाँ पे 8 दुकानें जो है थीं, जिनको जो है आग को चारों तरफ से रोक करके जो है, और उस फर्नीचर मार्केट को जो है सेफ रिकवर किया गया, सेफ बर्निंग किया गया। और यदि आग फैल जाती तो काफ़ी नुकसान होता है। एक बड़ी मार्केट जो है तबाह होने से जो है बचाया गया। सर, क्या कारण पाया गया? आग लगने का कारण प्रदर्शनों के द्वारा जो है ये बताया गया कि ट्रांसफार्मर वहाँ बगल में था, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रांसफार्मर के ही माध्यम से जो है आग आगे बढ़ी है। सर, कुल कितनी दुकानें? लगभग 8 दुकानें हैं। ये अभी इसका नुकसान का आकलन अभी मेरे द्वारा नहीं। 9 गाड़ियाँ थी। 9 गाड़ियाँ।